हिम्मत से काम लो ना हीत, तुम इस तरह से हाथ पैर छोड़ दोगी तो बाकी सबको कौन संभालेगा? पहले क्यों नहीं बताया आकर ये सब हमें? बोलो, मुझे वक्त ही नहीं मिला। मैं तो फरहाद को सब कुछ बता देना चाहती थी, बल्कि मैंने तो एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन फिर मेरी रुखसती आ गई और फिर शादी के बाद मैं मुल्क से बाहर चली गई। और काश मैंने उसे हकीकत बता दी होती। हाँ, तुम अमीरों के पास वक्त ही कहाँ होता है इन सब बातों के लिए। कोई जान से जाता है जाए तुम्हारी बला से। तुम लोग अपनी मसरूफियत सबसे बढ़कर होती है ना, मुलाजिमों का क्या है? ऐसा मत कहो ना हीद, मेरा और फरहाद भाई का रिश्ता एक मुलाजिम का नहीं था, मैं तो उन्हें अपना भाई समझती थी। वो मेरे लिए एक सगे भाई से बढ़के था। हाँ तो रोका क्यों नहीं तुमने उस अमीरजादी को? क्यों खेलने दिया इतना घिनौना खेल? क्यों बताया नहीं फरहाद को कि वो सिर्फ उसके दिल के साथ खेल रही है अपना वक्त गुजारने के लिए? क्यों नहीं कहा तुमने उसे? तुम सब उसके मुजरिम हो, सबके सब। बता देना अपनी उस शहजादी को कि मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं ये मान ही नहीं सकती कि फरहाद हमें इस तरह बिलकता छोड़ के जा सकता है। कह देना उसे मुझे वहां तक जाना पड़ा ना, मैं उससे जाकर हिसाब लूंगी क्यों किया तुम लोगों ने हमारे फरहाद के साथ ऐसा। तुम्हें मुझे जो कहना है तुम कह सकती हो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूं, बल्कि तुम सबकी। लगता है अबू आ गए, हमें फौरन बहावलपुर के लिए निकलना होगा। आज कोई मौत सा हो जाए।